हेलो गाइस, सो आज हम करने जा रहे हैं इस मोजा नैनो एसी गिम्बल की अनबॉक्सिंग। ये बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा गिम्बल है बिकॉज ये बहुत चीपर है, जिसको मैंने सिर्फ 4100 रुपीज़ का खरीदा है। एंड इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, आप इस गिम्बल से ये पता कर सकते हो कि इस गिम्बल को किस तरीके से यूज़ करें और गिम्बल में क्या क्या फीचर होने चाहिए, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इससे आप आगे प्रो वाले गिम्बल्स तक भी जा सकते हो बहुत इजीली। एंड अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो, सबसे पहले इसको ओपन करने के बाद पहले आपने चेक करना है इसमें चार्जिंग है या नहीं, चार्जिंग की लाइट है ये। एंड दोनों में पहले आपको अपना अगर फोन सेट करना है उसके लिए आपको ऐसे लॉक मोड पे रखना है ये। सो आपकी अनबॉक्सिंग के बाद आपको गिम्बल मिलता है ऐसे, आपने इसको इस तरीके से ओपन करना है, ठीक है। आपको इसमें बहुत प्यारा सा एक छोटा सा रिमोट भी दिया गया है जिसको आप डिटैच भी कर सकते हो। इनफैक्ट इसमें एक ट्राईपॉड भी है यूज़ करने के लिए, जिसको आप इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ आपका फोन है, ये 80-230 ग्राम तक का वेट लेता है। इनफैक्ट इसके अंदर एक सेल्फी स्टिक बनाने का भी ऑप्शन है। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ब्लूटूथ कनेक्शन, फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि आपका फ़ोन ठीक तरीके से लगाओ। इसमें गाइडलाइंस भी दी गई है कि किस तरीके से फ़ोन कनेक्ट करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि ये जो कैमरा है आपने इस कैमरे की तरफ अपने फोन के कैमरे को रखना है। जब भी आपको गिम्बल ऑन करना हो आप ये जरूर चेक कर लें कि आपने इसे प्रॉपर मिडल में रखा है या नहीं। उसके बाद आपको ये बटन प्रेस करना है जिससे आपका गिम्बल ऑन हो जाए। आप देख सकते हैं मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ बट ये गिम्बल ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज कर रहा है। इसको आप स्ट्रेच भी कर सकते हो इस तरह से, इस तरीके से। एंड इसमें एक सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये इस मोड पे भी आ जाएगा एंड देन इस पर करेंगे फिर इस पर आ जाएगा। नीचे वाला बटन से रिकॉर्डिंग होती है, इधर से जूम इन, इधर से जूम आउट एंड यहीं से ही अब हम इसको ऑफ भी कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर माय ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको सच में सीखना है कि आपको गिम्बल कैसे यूज़ करना है, सो आप बिगिनर्स के लिए ये गिम्बल सबसे बेस्ट रहेगा, मोजा नैनो एसी। थैंक यू सो मच गाइस।